हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं और ये मॉक टेस्ट है और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप बताइएगा कि 100 में से किसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन आप लोग के फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इसको। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, टाइलिन। ठीक है, लार में जो होता है आपका टाइलिन पाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिमाग। ठीक है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, आंसर दे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर, रेनिन। रेनिन जो होता है एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि दूध को क्या करता है, पचाने में मदद करता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रोफिल्स। राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, सी इज द करेक्ट आंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई, तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरॉन। इसका राइट आंसर न्यूरॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट आंसर दे क्या होगा, राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, आंसर दे इसका क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को बात करूं, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए, आप जो भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, जैसे आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आपका रेलवे होगा, सुपर टेट टीचिंग लाइन से जो भी आप एग्जाम देते हैं, या रेलवे से, बैंकिंग से, सभी में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वसा का पार्श्वीकरण करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, वसा का पारेषणीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31, 31 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको भी आप फ्रेंड इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, थाइमस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन पूछा गया है, मादा मीन्स जो फीमेल में हार्मोन्स पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में, उसको पूछा गया है एस्ट्रोजन पोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, ये सभी होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, ऑप्शन दिया गया, आंसर बताइए।
तो जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है ये पिता के होता है, पिता, ठीक है, किससे होता है, पिता से होता है। तो गांव में तो आपको पता ही, बहुत लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो पता है किसको दोष देते हैं, माता को। लेकिन माता नहीं, माता में तो हमेशा एक्स एक्स पाया जाता है, लेकिन पिता में एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है। जब एक्स क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो लड़की होगी, और जब वाई आएगा मेल से तो ये आपका क्या होगा, एक्स वाई जब आएगा तो ये आपका लड़का होगा, ठीक है, लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ये क्रोमोजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, मूत्र में पाया, ठीक है, मूत्र में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बीकर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, तो आंसर हो जाएगा पीयूष, ठीक है, पीयूष सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा मस्तिष्क, डी इज द करेक्ट आंसर, में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत को आपको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है तो पित्त कहाँ पे जमा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दिए, तो राइट आंसर होगा बी, पित्ताशय में जो होता है आपका पित्त जमा होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, पूछा गया है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा आपका नहीं है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया आपका आंख में पाया जाता है, तो ये आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा बंदर से, बंदर से ये संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हिपैरिन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हिपैरिन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, माँ अस्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो राइट आंसर होगा 120 मिली मैग्नोमीटर, अपान में डायलिस्टिक हो जाता है आपका 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, आंसर क्या होगा इसका, धमनी, धमनी से मापा जाता है, जो नाड़ी दर होता है ना अपन, जो दर होता है वो धमनी से मापा जाता है, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दबा मापक यंत्र, रुधिर दबा मापक यंत्र, राइट आंसर क्या होगा, स्फेग्नो नैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्नो मैनोमीटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, आंसर हो जाएगा चार, ठीक है, दो अलिंदे और दो निलय होते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, अस्वस्थ सॉरी स्वस्थ यहाँ पे, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 72 बार, ठीक है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, संक्रमण के कारण होता है, संक्रमण, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है बताइए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन आपका एक तरह से इंजाइम्स होता है, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, यकृत, जिसे लीवर या जिगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उदर से, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ अधिक होता है, आंसर बताइए, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, छोटी आंत, छोटी आंत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, आंसर, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए,
राइट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा ओ, ओ में जो होता है आपका ना एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। आंसर होगा यहाँ पे स्टार्च, ए इज द राइट आंसर, स्टार्च में आपका सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। आंसर होगा सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं। तो राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है, बताइए किसको बदलता है। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, ठीक है, सी में पाया जाता है ओ, ठीक है, ओ यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी इज द करेक्ट आंसर, मेलानिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो राइट आंसर होगा चमड़ा, ठीक है, जिसे स्किन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो राइट आंसर तलवे, तलवे पर पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कॉन्स, ठीक है, कॉन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक भाग होता है, तो राइट आंसर इनेमिन, इनेमिन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती क्या है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो राइट आंसर एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, आंसर बताइए, तो आपका 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है, 8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव डव आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, हृदय, हृदय से संबंधित है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम ध्वनि कौन सी है, शरीर की विशालतम ध्वनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोटा, एरोटा इसका राइट आंसर होगा डी, एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर सी, पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है, ये एक तरह से पंप की तरह काम करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है, तो राइट आंसर होगा 2 अरब, 2 अरब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ए और बी में, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, बताइए जब हम दौड़ लगाते हैं तो मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, तो राइट आंसर होगा बढ़ जाता है, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर लिम्फोसाइट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर बताइए, तो यहाँ पे होगा ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा शरीर के वजन के 7% के बराबर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय। सी इज द करेक्ट आंसर, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? आंसर बताइए। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा धमनी। धमनी पर डाला गया दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? ठीक है, तो आयतन पूछा गया तो 5 से लेके 6 लीटर होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका डी, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर होगा सी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका आयरिस। आयरिस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर का पता लगाया? आर एच फैक्टर का पता किसने मन लगाया, किस वैज्ञानिक ने? तो राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर और बी एनर ने। राइट आंसर क्या होगा? सी, लैंड स्टीनर और बी एनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर होगा आपका हार्वे ने। ठीक है, हार्वे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन, सॉरी निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल पूछा गया ना कितना होता है? ये सभी को पता है, बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आपके हो जाएंगे 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। टाइलिन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी डी इज द राइट आंसर, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ये आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर होगा प्लिया, प्लिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब कोई व्यक्ति सोता है, जब आप सोते हैं तो रक्त दाब का क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है? बढ़ता है, क्या होता है, बढ़त सॉरी घटता है, क्या होता है, घटता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। रक्त समूह के खोजकर्ता, यहाँ पे पूछा गया कि रक्त समूह के खोजकर्ता क्या, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए, लैंड स्टीनर, डी इज द करेक्ट आंसर, लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कॉर्निया इज द राइट आंसर होगा, कॉर्निया। 4 घंटे ये जीवित रहता है, जब आदमी मर जाता है, जब कोई पर्सन मर जाता है तो 4 घंटे तक इसको दान करने का टाइम रहता है, ये भी क्या होता है आपका, खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त का वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आंसर होगा यहाँ पे लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो राइट आंसर होगा आपका WBC, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आंसर हो जाएगा आपका आंख का। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है तो कितनी होती है? आपकी होती है 20, ठीक है 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकावट महसूस होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है जो कि दूध में भी, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में ये काम करता है। तो जब हम ज्यादा टाइम काम कर देते हैं, बैठे जाते हैं 10 4 5 घंटा, तो हमें थकावट महसूस होती है। जब हम 7 8 घंटा काम लगातार कंटिन्यू करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमें मसल्स होती है मांसपेशियों में, आपका लैक्टिक एसिड जमा होता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, मात्र आपका लगा यहाँ पे 20 मिनट में। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।